वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल आउट टिप्स। आज की मेरी वीडियो है कि ये तीन टिप्स आप जान लो कि ठुकराने वाला अपनाने के लिए दिन रात तरसेगा, आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा। इसी के बेस पे पावरफुल वीडियो बनाई है, जो आपको छोड़ चुका है, जो आपको छोड़ने वाला है, आपका एकदम बरखा बॉयफ्रेंड, जो आपकी सुरपंखा गर्लफ्रेंड है, जो आपको छोड़ना चाहती है किसी भी रीजन से, किसी और में इन्वॉल्व हो चुकी है, ठीक है, जो इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो आप कैसे कौन से पॉइंट कर सकते हो जिसके बेस पे वापस वो चड्डी पहन के टुकड़ी टुकड़ी आपके पास आना जरूरी समझे। आज इनकी गर्दन मरोड़ के ऐसी तोड़ेंगे कि इन्हें खुद नहीं समझ आएगा इनका पेचकस कहाँ गिर गया, इनके स्क्रू ढीले करना है आपको। तो कैसे करोगे, वीडियो के साथ बने रहना, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे और अच्छे से क्लियरली कर पाओगे, ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सके, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो यार, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो और वहाँ पर भी पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, विजुअल आउट टिप्स नाम से जाओ और जल्दी जाके फॉलो करो, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा नीड आ रही हो तो आप स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, वहाँ जाके पेड कंसल्टेशन चार्जेबल कॉल है, बुक कर सकते हो। अब मेरे पॉइंट पे आएंगे, फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे, जब आपको आपका पार्टनर छोड़ने के लिए धमकियां देता है कि यार हमें अब रिलेशनशिप में नहीं रहना, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, उस कंडीशन में क्या करें कि हम एज अ फ्रेंड बन सकते हैं, अब आपको क्या करना चाहिए, आप बताऊं क्या करते हो। आप एकदम बावली गांड बन के टूड़ी टूड़ी ले भाग्य, हमारा बाबू तो चल जाएगा, हमारी बेबी तो चल जाएगी, किसी और से शादी ना कर ले, बच्चे ना कर ले, फिजिकल ना हो जाए, और भाई आप देवदास बन जाते हो, पारो बन जाते हो, आपके रोना धोना, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, उसकी फैमिली को मनाना, उसके दोस्तों को मनाना, वही आप हो जाते हो गांडू घोषित। रियलिटी यही है, ठीक है, बुरा मत मानना, बट रियल फैक्ट यही है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप कईयों ने रोना धोना कर दिया, तो आप तसल्ली रख लेना, जो करने वाले हो उनको बता रहा हूँ, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, अब आपको कुछ नहीं करना। उसने कह दिया मैं आपके साथ रिलेशन में नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, तो आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड है कहीं नहीं जाएगी, आपका बॉयफ्रेंड है कहीं नहीं जाएगा, अगर आप ये कंडीशन करोगे तो पक्का चल जाएगा, रोना दुखड़े कॉल पे कॉल मैसेज मैसेज, ये मत करना। आप खुद सोचो, हलवा है क्या, पूड़ी है क्या, कोई भी आ जाएगा खा लेगा, सेक्स करना कोई नॉर्मल है क्या, ले घोड़ी बन गई, घोड़ा बन गया, तेल लगा दिया, लहसुन मिर्ची अदरक, ये चीजें नहीं होगी, ठीक है। आपको एक ही चीज करनी है, ओके एज अ विश, अगर आप नहीं रहना चाहते हो ठीक है, नहीं रहना चाहते तो ओके, मैं भी यही कहने वाला था, शायद मुझे भी ऐसा लग रहा था, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ठीक है। इस कंडीशन में आपको ये चीजें बोलकर फोन कट कर देना है, और वही आपको बाहर घूमना है, फैमिली के साथ पिक वगैरह लगाने, स्टेटस वगैरह लगाना है, आपका ही ब्लॉक हो गए, महारथी की सारा मन ब्लॉक कैसे हो, तो भाई तुम मन ब्लॉक अभी नहीं हो सकते, तुम ब्लॉक पड़े हो, तो तुम्हें वहाँ पेशेंस रखना होंगे। इस कंडीशन में तुम्हें 3 दिन का एकदम साइलेंट नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अप्लाई करना है, बड़े प्यारे तरीके से, ये नहीं गुमसुम ही हो गए बहन, जो समुंदर में डुबकी मार गए तो तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, वो कॉल करे अटेंड करना, हाय कैसी हो, क्या कर रहे हो, जिसने तुम्हें ये बोला है कि हम अब रिलेशन में नहीं रहेंगे, एज अ फ्रेंड आ जाओ, तो एक ही चीज़ कहना, पापा दादा बन सकते हैं, मम्मी चाची बन सकती है, नहीं बन सकती ना, भाई बाबूलाल बन सकता है क्या, गोटे लाल नहीं बन सकती है बहन, नहीं ना, तो मैं तेरा दोस्त नहीं बन सकता, कल को तेरी शादी हो जाएगी तो पति को गई गया, ले मेरा लल्ला बन जा, मेरी लल्ली बन जा, मेरा पोता बन जा, मेरा दादू बन जा, ये नहीं हो सकता ना, तो गर्लफ्रेंड दोस्त नहीं बन सकती, बॉयफ्रेंड दोस्त नहीं बन सकता, बाहर में जाओ, हमारी डिक्शनरी में ये नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें बोलनी है। फिर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करना है 3 दिन का, 3 या 4 दिन का, देखो यार अगर आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, टैबलेट ले रहे हो, तो 2-3 दिन में सही होगे, तो 4-1 दिन का पेशेंस रखा करो, ठीक है। तुम्हें उस कंडीशन में कॉल नहीं करना, क्योंकि सामने वाला कह चुका है मेरे को आपके साथ रिलेशन में नहीं रहना है, एज अ फ्रेंड आना है, तो आपको चुप रहना है, फिर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको कॉल करेंगे, होगा ना, हाँ बोलो क्या हुआ, कौन, वो कहने ये कि चलो बाय यार, अब तो हम रिलेशन में नहीं है, अब तो शायद मैं भी मूव ऑन कर चुका हूँ, चलो बाय बेबी का, फ़ोन कट कर देना, वहाँ वो खुद आपको मनाने लग जाएगी यार ऐसा नहीं है, फिर उसको कहना मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, चड्डी धो रहा हूँ, 5 मिनट में आया, 10 मिनट में आया, टाइम दे के हालतें ख़राब कर देना, और स्टेटस लगा के फूंक देना, ये मत लगा देना, इल्ला मिल्ला मैं तो बावला हो गया, मैं तो चड्डी बन गया, ये मत लगा देना, हिल गया भूल गया, ये गांडू बनती हरकत मत करना, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अच्छे अच्छे अपनी पिक्स वीडियो शीडियो लगाना, उसको फ़र्क पड़ेगा, वो खुद सोचेगी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, फ़र्क आपको पड़ाना पड़ेगा, समझ गए नहीं समझे, वेरी गुड। अब मेरे सेकंड पॉइंट पे आएंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि इनके साथ रिलेशन में रहते हुए वो किसी और में इन्वॉल्व हो चुकी है, हो चुका है, ठीक है।
अब वो दो हाथों में लड्डू रख रही है भैया, ठीक है। अब तुम्हें भी एकदम एडजस्ट करने की आदत पड़ी हुई है तो इसे छोड़ो यार, आप अपने घर में किसी को एडजस्ट नहीं कर सकते। आपके घर में आ जाए एकदम, मैं हूँ सकीरा, मैं कर दूंगा सबका वध है, मैं काट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, दीवारों को सील दूंगा, चट्टी बना दूंगा, तो ये अगर कोई हरकतें करेगा आप करने दोगे, डंडे मारोगे, पुलिस में कंप्लेन करोगे। तो आपकी गर्लफ्रेंड की लाइफ में कोई लड़का आ गया आप एडजस्ट कैसे कर सकते हो, आपके बॉयफ्रेंड की लाइफ में कोई लड़के आ गया आप एडजस्ट कैसे कर सकते हो। इस कंडीशन में आपको एक ही चीज़ कहनी चाहिए, जो मेरा है मेरा रहेगा, जो मेरा नहीं है मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। उस कंडीशन में आपको एक ही चीज़ करनी चाहिए, उसे ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर देना चाहिए। व्हाट्सएप से ब्लॉक करो, फेसबुक से ब्लॉक करो, इंस्टाग्राम से ब्लॉक करो, क्योंकि हमारे सम्मान की बात है। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों हम किसी के और के बिस्तर के आगे सुला दे, नहीं सुलाना, अकेले रह लेंगे, बट अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर नहीं करना, अपने बॉयफ्रेंड को शेयर मत करना। खुद आएगी रोते हुए तब आएगी, क्यों कहना कॉन्फ्रेंस लो उसको, तभी मैं उसको छोड़ूँ, तभी मैं आपके साथ रिलेशन में आऊँगी, उसको बोलो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, कॉन्फ्रेंस लो लो लो, तब जाके ही आप रिलेशन में आना, नहीं तो बाहर में जाना जाना, डंडा मारना। जो अभी ऐसे कर रही है शादी के बाद पड़ोस के उससे शादी कर ली तो किसी से है, काम करने वाले से बहन चो, तो जिंदगी झंड नहीं हो जाएगी आपकी है, इसलिए इनको लात मारनी है। समझ गए, नहीं समझा आपके लिए कह रहा हूँ। थर्ड पॉइंट बड़ा प्यारा है कि सर हमारे बॉयफ्रेंड की या गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है, वो हमें ठुकरा रही है, अब हम क्या करें। तो भैया कोर्ट मैरिज करो, अगर आप लाइफ में सेटल हो तो, लाइफ में सेटल नहीं हो तो ये नहीं है कि वो मेरे से शादी करे वो करे। लाइफ ना प्यार से नहीं चलती, लाइफ चल रही पैसों से। देखो रियलिटी यही है, खाओगे क्या पियोगे क्या, पैसों से ही लाइफ चलती है, ठीक है। हम कहते थे प्यार से लाइफ चलती है, तो आप प्यार से उसको ले आओ घर में, खिलाओगे क्या, पिलाओगे क्या उस लड़की को, है कहाँ ले जाओगे, उसकी विश वगैरह कैसे पूरी करोगे। अब आपको 4 साल हो गए, अब आप निठल्ले हो गए, 28 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, बुढ़े डेढ़ बनने वाले, आपने अभी तक लाइफ में कुछ किया नहीं, 23 साल के आप सपने देख रहे हो शादी करने के, फ्यूचर है नहीं तुम्हारा, घर वालों पे तुम डिपेंड हो, तो बहन चो ऐसे करोगे क्या। अगर तुम सेटल हो फिर वो कहीं और कर रही है, तुम्हारी बात नहीं मान रही, फिर तो मूव ऑन करो, क्योंकि वो अभी नहीं हो सकी, शादी के बाद भी तुम्हें छोड़ सकती है या छोड़ सकता है, तो ऐसे को लात मारो। अब तुम सेटल नहीं हो फिर तुम सपने देख रहे हो, तो लड़की अपनी जगह सही है, वो लड़का अपनी जगह सही है, है ना, जो आपको छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप सेटल नहीं हो लाइफ में। तभी तो मैं कहता हूँ प्यार से लाइफ नहीं चलती, सेटल होना बड़ा जरूरी है। बट तुम भी प्यार प्यार प्यार, ये प्यार बाबूलाल बना देता है, ये प्यार चंपक बना देता है, ये प्यार देवदास बना देता है, ठीक है। फिर हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, बहुत लोगों की हेल्प होगी, और प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद जय भारत।